चैनल, उम्मीद करती हूँ आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे और सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे, आज सुबह मैं बहुत ही जल्दी उठ गई। आज सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ। तो सुबह उठने की वजह से ना सुबह की पूरा काम आज मेरा ख़त्म हो गया है। मैं रोज़ कोशिश करती थी जल्दी उठने के लिए। जल्दी उठने से पूरा काम जल्दी से हो भी जाता है घर का, और खुद के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाती है। लेकिन मेरे ना उठने में रोज़ लेट हो जाती थी, पूरा दिन काम में बीत जाते थे और एंड में जाके ना चिड़चिड़ापन सा हो जाता था। तो इसलिए मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी सुबह उठने के लिए, लेकिन रोज़ रात अलार्म लगाती थी और सुबह वो अलार्म बंद करके फिर से सो जाती थी। लेकिन बहुत दिन की कोशिश के बाद आज मैं सक्सेस हो ही गई और सुबह उठने से माइंड बहुत ही फ्रेश रहता है। नेचर इतना खूबसूरत रहता है, ना ही शोर शराबा, ना ही पोल्यूशन, बहुत अच्छा लगता है। तो और ज़्यादा बकबक ना करते हुए अब जाके मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी साउथ इंडियन बड़ा। तो मैं बड़ा कैसे बनाती हूँ, चलिए वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़ा बनाने के लिए मैंने कल ही दाल को ऐसे मिक्स करके रख दिया था, और देखिए दाल बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मेंटेड हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी, क्योंकि राइस फ्लोर से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए राइस फ्लोर की जगह पे मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट क्रश मैं यहाँ पर दे दूंगी। यहाँ है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव और करी पत्ता। हल्दी देना, हरी मिर्च, जिंजर, थोड़ा सा अनियन, अजवाइन, नमक। अब अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अपना दाल का ऐसा एक डो बनाना है। डो बना के बीच में से ऐसे होल कर देना है। देखिए बनके रेडी हो गया है मेरा वड़ा।
और अब मैं इसे सर्व करूँगी इमली और लहसुन और कोकोनट की चटनी के साथ। कैसा बना बड़ा? और चटनी सांभर और किसी दिन बना दूंगी, आज ऐसे ही चटनी से खा लूं। तो मैंने बड़ा बना के सर्व भी कर दिया और बोल रहे हैं खाने में भी अच्छा हुआ है। तो मेरा मेहनत जो मैंने किया वो सक्सेस हो गया। तो अब जाके मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बड़ा बहुत ही अच्छा बना और मूंगफली का चटनी तो बहुत ही अच्छा बना। मूंगफली का चटनी मैं आप लोगों के साथ फिर किसी दिन शेयर करूंगी, लेकिन बहुत टेस्टी बना है। বাবু খাচ্ছ? হ্যাঁ ভালো লেগেছে? হ্যাঁ बच्चों को बड़ा नहीं पसंद, इसलिए बच्चों के लिए मैंने फिर से ऑमलेट और ब्रेड बनाया है। क्योंकि आज वक्त फ्री है, संडे है, तो जिसको जैसा मन किया उसको ऐसा ही बना दिया। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है और अब जाके मैं थोड़ा सा घर का काम है वो निपटा कर फिर जाके लंच बनाऊँगी। आज सुबह से मैंने बेड भी ठीक नहीं किया क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास नहीं थी, इसलिए अभिनव सो रही थी और मैंने भी उसे नहीं जगाया, इसलिए नाश्ता वास्ता करके अब जाके मैं बेड ठीक कर रही हूँ। Thank you.
बदल हमारे तो धरो टैंक इसे प्रोसेस में दीजिए हम बदल रहे हैं रोड का जमीन दीजिए हमारे आगे वो तो प्रोसेस को मैं 20-25 दिन पहले सब ने तो प्रोसेस को दी कैश पेमेंट करेंगे ना बाकी अच्छा रहता है गोल्ड वाले से तो हम सब ठीक लिमिट আছে না একটা आज मैंने लंच में चिकन और मटन बनाया है। चिकन इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बच्चों को मटन पसंद नहीं, चिकन मटन दोनों बना लिया इसलिए और कुछ भी नहीं बनाया। सुबह का जो मूंगफली का चटनी है उससे हो जाएगा। तो अब जाके मैं सबको लंच दे देती हूँ और मेरी ब्लॉग को ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं यहीं पर सिंपली ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सारे फ्रेंड बहुत ही खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय।